बॉलीवुड में बहुत कम एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो कि बेबाकी से बोलती हैं और अपनी बात को खुल के रखती हैं। जी हाँ, और बेबाकी से बोलने के लिए जानी जाती हैं कंगना रनावत। लेकिन कंगना रनावत के अलावा एक और एक्ट्रेस बॉलीवुड में ऐसी है जो अपनी बात बहुत ही बेबाकी से रख लेती है। जी हाँ, वो है तनुश्री दत्ता। भले ही हम तनुश्री दत्ता को कंगना रनावत के जैसे बहुत सारी फिल्मों में नहीं देखते हैं, लेकिन अपनी बात को खुल के रखना तो उन्हें भी आता है। और हैशटैग मी टू कैंपेन के बारे में सबको अवेयर करने के लिए और स्पेशली बॉलीवुड में इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए तनुश्री दत्ता का बहुत बड़ा हाथ है। बुगल बॉलीवुड देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ सिमरन हंस। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता की। तनुश्री दत्ता को काफी लंबे समय से हमने स्क्रीन पर नहीं देखा है, लेकिन पिछले साल हैशटैग मी टू कैंपेन के चलते तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए थे, जिसके चलते तनुश्री दत्ता काफी देर सुर्खियों में बनी रही। तो हैशटैग मी टू कैंपेन के चलते ही बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारे जो आरोप हैं सामने आए थे, और बॉलीवुड में भी बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने, बहुत सारी मॉडल्स ने आरोप लगाए थे डिफरेंट पर्सन पर। तो उन्हीं में से एक केस था अनु मलिक का। जी हाँ, म्यूजिक कंपोजर और इंडियन आइडल जज अनु मलिक का। सोना मोहपात्रा नाम के सिंगर ने उन पर हरासमेंट के आरोप लगाए थे, जिसके चलते तनुश्री दत्ता का रिएक्शन आया है इस पर। और तनुश्री दत्ता का कहना है कि सोनी चैनल, जो कि एक फैमिली चैनल है, ऐसे इंसान को अपने शो में जज कैसे रख सकता है और अपने चैनल पर कैसे इनको रख सकता है कुछ टीआरपी के चलते। सेकंडली, इंडियन आइडल में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जब नेहा कक्कड़ को किसी कंटेस्टेंट ने आकर किस किया था, तो इस इंसिडेंट पर भी तनुश्री दत्ता का रिएक्शन आया है। तनुश्री दत्ता का कहना है कि नेहा कक्कड़ ने इस बात पर चुप रहकर एक गलती की है, यानी कि तनुश्री दत्ता का कहना है कि नेहा कक्कड़ को भी इसके खिलाफ बोलना चाहिए था। और हैशटैग मीटू कैंपेन की बात करें तो जहां बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने, बहुत सारी मॉडल्स ने अपने अपने इंसिडेंट शेयर किए सोशल मीडिया पर, वहीं बहुत सारी आम लड़कियों ने भी अपनी बात, अपने इंसिडेंट शेयर किए सोशल मीडिया पर हैशटैग मीटू कैंपेन के चलते। लेकिन अगर हम उसके दूसरे पहलू को देखें, यानी कि जैसा हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हैशटैग मीटू कैंपेन के अगर हम दूसरे पहलू को देखें तो जहां बहुत सारी लड़कियों ने इसका सही इस्तेमाल किया, वहां इसका गलत इस्तेमाल भी किया गया, जिसका असर बहुत सारे लोगों के करियर पर बहुत बुरा पड़ा। अगर हम तनुश्री दत्ता की बात पर ही वापस आए, जैसा कि उन्होंने रिएक्शन दिया है अनु मलिक वाले केस पर और नेहा कक्कड़ वाले इंसिडेंट पर, आपकी इन सब के बारे में क्या राय है और हैशटैग मीटू कैंपेन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी बॉलीवुड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए बुगल बॉलीवुड।